सुखदेव सिंह गोगामेडी जी हैं सर, पद्मावती को राजस्थान में कई अन्य प्रदेशों में बंद कर दिया गया, तो ये आपको आंतरिक सफलता मानते हैं, बड़ी सफलता मानते हैं? नहीं, ये कोई सफलता नहीं है, ये सरकार की दोगुनी नीति है। कह रहे राजस्थान में बैन कर दिया, गुजरात में बैन कर दिया, मध्य प्रदेश में बैन कर दिया, पंजाब में बैन कर दिया, यहाँ बैन कर दिया, तो बैन कर दिया तो ये घूमर और ये सॉन्ग और ये ट्रेलर क्यों चल रहे हैं? जब फिल्म को आप बैन कर दिया तो ये टीवियों पर सरेआम चल रहे हैं एंड सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, नेट पर चल रहे हैं, यूट्यूब पर चल रहे हैं, तो ये तो सरकार की दोगुनी नीति है। मेरा तो यही कहना है, फिल्म को पूरे तरफ से बैन किया जाए, भारत में नहीं, इस पूरी कैसेट को जब्त किया जाए। ये नहीं कि ये सीन काट दो, ये जोड़ दो, ये कर दो और फिर चालू कर दो, ये सीधा सीधा हिंदू मुस्लिमों के अंदर कंट्रोवर्सी पैदा करने वाली फिल्म है। और आपने देखा होगा पीछे ताजियों पर आज तक इतने नहीं हुए जितने अब की बार ताजियों पर दंगे हुए हैं। ये पद्मावती फिल्म है, ये हिंदुस्तान का भाईचारा ख़त्म करने के लिए ISI और दाऊद के इशारे पर बनाई जा रही है। इसमें कोई मुस्लिम है ना, उनका भी बढ़िया रोल नहीं दिखाया जा रहा है। आप मानते हो कि ये फिल्म जो है तो सांप्रदायिक स्वास्थ्य को भी खराब कर रही है? हजार % नहीं, 1,00,000% कर रही है। मैं तो कहता हूँ इस फिल्म को तुरंत प्रभाव से बैन करें, इस कैसेट को जब्त कर लिया जाए। इसमें मुस्लिमों का भी कोई बढ़िया रोल नहीं दिखाया जा रहा है, उसको क्रूर शासक दिखाया जा रहा है। आज के मुस्लिम हैं वो इतने क्रूर हैं क्या, जितना अलाउद्दीन खिलची एक गद्दी पाने के लिए अपने सागी अंकल की मर्डर कर देता है, अपने सागी ससुर को मार देता है गद्दी पाने के लिए, और एक औरत को पाने के लिए लाखों कतलेआम कर देता है, ऐसे मुस्लिम आज है क्या भारत में? नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ मुस्लिम भाइयों से भी, आप भी सड़कों पर उतरो और पद्मावती फिल्म बैन करवा करके हम पीछे हटेंगे, हम नहीं हटेंगे। संजय लीला बंसाली को ये मैं चैनल के माध्यम से भी कह रहा हूँ, आमने सामने भी होकर के हमारी करनी सैनिकों ने उसके चांटा जड़कर भी उसको बता दिया कि तू सुधर जा, ISI और दाऊद से तू पैसे लेकर के जो भारत के अंदर काम कर रहा है वो अब हम नहीं करने देंगे तेरे को। ऐसे हम जो हिंदू मुस्लिमों में और हमें हिंदुओं को नीचा दिखाने का काम किया जाए वो ऐसी फिल्म हम नहीं बनाने देंगे भारत के अंदर। सर मेरा अंतिम सवाल है, ये पूरा जो अंतिम साल है, अंतिम महीना चला है इस साल का, तो पूरा साल कहीं ना कहीं अनंत पार एनकाउंटर और जो पद्मावती विवाद इसके नाम रहा? रानी अभी चालू है, 21 तारीख को, इसी 21 दिसंबर को अजमेर में लाखों लोग हम आनंद पाल को न्याय दिलाने के लिए, पद्मावती फिल्म को बैन करने के लिए लाखों लोग हम अजमेर के इसी 21 दिसंबर को खड़े हो रहे हैं। अभी साल गया नहीं, बाकी ने साफ तौर पर कहा कि पद्मावती को किसी भी सूरत हाल में रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। कैमरामैन संदीप के साथ मैं गजेंद्र सिंह चौहान, RKG न्यूज़। उस आज की मीटिंग का जवाब देने के लिए एक मीटिंग अगले महीने में इसी चूरू की धरती पर प्रॉपर हेडक्वार्टर पर होनी चाहिए, और उसमें मैं नियुक्ति देने के लिए नहीं आऊंगा, उसमें मैं नियुक्ति देने के लिए नहीं आऊंगा। आज किसी को नियुक्ति लेनी है, भाईचारा कमेटी में श्री राष्ट्रीय राजपूत कमी सेना में जुड़ना है, उनका स्वागत है, जुड़िए। पर उस दिन हर उस युवा के हाथ में केसरिया झंडा होना चाहिए, और हर चोर जुलम की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है वही नारा होना चाहिए। मेरे नौजवान साथी, मैं आज से 3 से 4 दिन पहले भादरा से चूरू आ रहा था, पत्रकार बंधु यहां है, तो मैं ये कोई भाषण वोट लेने के लिए नहीं दे रहा हूं, ये कोई यहां कोई जनप्रतिनिधि है उसको हराने के लिए नहीं दे रहा हूं। भादरा से चूरू के लिए 1.5 घंटा / 2 घंटा टाइम लगता है, क्यों? एक भी सड़क सही हो तो चलो मेरे साथ, मैं दिखाऊं, एक एक फुट गड्ढे हैं, किस चीज की 4 साल की आदत सरकार के यहां वो गिराए जा रहे हैं। चूरू जिले के अंदर टोल रोड को छोड़ दो, टोल तो पैसे देकर के हम जाते हैं, वो सरकारी रोड नहीं है, वो टोल रोड हमारा जनता का है। जब हम पैसे देकर के जाते हैं टोल रोड पर, उसमें सरकार की क्या लेना देना है? अरे ग्रामीण क्षेत्र से जो सड़कें जुड़ रही है उनका हाल देखो, एक भी सड़क अगर नहीं बनी हो तो मैं आपके सामने शकल नहीं दिखाऊंगा। हाँ, कागजों में जरूर बना दी होगी। मेरे नौजवान साथियों, आप RTI लगा करके यहाँ के जो लोकल सड़कें हैं उनकी RTI लगवा करके उनका रिकॉर्ड निकलवा हुआ, कागजों में सड़कें जरूर नहीं बन गई होगी, पर एक भी लोकल सड़क नहीं है, हर सड़क में खड्डा है, खड्डा है कि नहीं है बताओ। फिर किस चीज की उपलब्धि गिराई जा रही है सरकार की 4 साल की?
मेरे नौजवान साथियों, ये हमें इस फंडे में नहीं पड़ना है, पर जो हमें चैलेंज करता है उस चैलेंज को लेना मुझे बहुत पसंद है। जैसे फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि किसी हिंदुस्तानी में हिम्मत है वो कश्मीर के लाल चौक पर आकर के झंडा फहरा करके दिखाए, तो वो हिंदुस्तानी आपके सामने या आपका भाई खड़ा। इसलिए मैं हर जगह जाकर के आप लोगों के बीच में बातें रखता हूं। एक तो ये बिजली का बिल है, ये बहुत ही बड़ा एक झमेला है, मैं आपको बताना चाहता हूं। बिजली के बिल माफ करे सरकार, अगर सरकार किसानों के लिए कुछ करना चाहती है तो, वरना ये ढोंग मत करो। तुम लोग करोड़ों रुपए रैलियों में खर्च कर रहे हो। आज चूरू जिले के अंदर 500 बसें भेजी गई हैं, उनका खर्च कौन उठा रहा है, कोई है जवाब देने वाला? चूरू जिले के अंदर भीड़ इकट्ठी करने के लिए 500 बसें गांवों में भेजी गई हैं, उन 500 बसों का पैसा कहां से आएगा, कौन देगा, है किसी के पास हिसाब? नहीं है, नहीं है। मेरे नौजवान साथियों, हम लोग जो टैक्स भरते हैं ना, उससे ये खजाना भरती है सरकार, और हमारे पैसे का दुरुपयोग कर रही है सरकार, आपके सामने है मेरे नौजवान साथी। मैं आपके बीच में यह कहने के लिए नहीं आया कि राजेंद्र राठौड़ जी को वोट मत देना, मैं आपके बीच में यह कहने के लिए नहीं आया कि मकबूल जी वडेरिया को वोट मत देना। हाँ, जो आपकी हक और हुकूक की बात करे, आपके लिए दिन और रात आपके बीच में खड़ा रहे, उसको वोट जरूर देना मेरे नौजवान साथियों, चाहे वो कोई भी हो। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना पूरे भारत के अंदर युवाओं की आवाज बन करके मैं बोल रहा हूं आपकी एक भाषा। आप ये मत समझना हम यहां बैठे हैं, आपकी आवाज बन करके मैं बोलता हूं पूरे देश के अंदर, आपकी आवाज को मैं उठाता हूं पूरे देश के अंदर। इसलिए आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, हमें जुमले वाले भाषण नहीं देने हैं। ये नहीं कहना है कि नौजवान साथियों, मित्रों, आज बृहस्पतिवार है कि नहीं, आज बृहस्पतिवार है कि नहीं, तो कल शुक्रवार होना चाहिए कि नहीं, तो वही बैठो घड़ी होना चाहिए। अरे रोजगार चाहिए युवाओं को, रोजगार होना चाहिए युवाओं के लिए। सुखदेव सिंह जिंदाबाद, सुखदेव सिंह जिंदाबाद, सुखदेव सिंह जिंदाबाद। ये बताए सरकार कि हमने इतने युवाओं को नौकरी दे दी, ये गिनाए उपलब्धि, तब मानो मैं सरकार की उपलब्धि, वरना ये करोड़ों रुपए खर्च कर रही है हमारा टैक्स, नहीं साइन करेंगे मेरे नौजवान साथियों, नहीं साइन करेंगे। इसलिए आज आपके बीच में आह्वान करने के लिए आया हूं कि नारा लगाओ, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हर चोर जुल्म की टक्कर में सबके सपना नारा है, हर चोर जुल्म की टक्कर में सबके सपना नारा है, पत्थर को भी कर दे पानी, पानी, हर चोर चुलम की टक्कर में
जय राणा प्रताप की जय शिवा सरदार की Thank you.